हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 तारीख को बिहार दरोगा भर्ती 2017 के जो आपके फॉर्म निकलने थे, आज 24 तारीख को वो निकल गए हैं और इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे। उससे पहले जो भी मेरा दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी का आइकन को ऑन कर ले दोस्त, ताकि जितनी भी नई वीडियो आती रहे उनका मैसेज आपके पास पहुँचता रहे। और अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं कि फॉर्म निकल गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपकी सबसे पहले मैं बता दूं, अंतिम तिथि जो है आपकी दोस्तों 30/11/2017 है। ठीक है, और आपके ये 2017 में जो आपकी वैकेंसी निकलनी थी, बहुत से दोस्त इंतज़ार कर रहे थे तो उसके ये फॉर्म निकल गए हैं आज 24 तारीख को। ठीक है, देख लेते हैं। दिनांक 24/10/2017 मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आप www.bpssci.bih.nic.in पर जा करके आप और भी विवरण में आप पढ़ सकते हैं, और प्लस यहाँ पे जा करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कितनी फ़ीस कितनी लगेगी। फीस की बात करी जाए दोस्तों, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के यानी कि सामान्य और ओबीसी वालों के लिए आपकी पुरुषों और महिलाओं के लिए 700 रुपये फीस होगी। ठीक है, और आपकी जो SC ST के लिए और SC ST के लिए सिर्फ 400 रुपये फीस होगी। ठीक है, ये इन्होंने निर्धारित की है। और देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी एज की बात करी जाए दोस्तों, तो आपकी सामान्य की आपकी 20 कम से कम 20 साल कम से कम होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 37 ईयर होनी चाहिए, पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं। और BC और EBC की आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40, और SC ST की आपकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। और अगर यही बात आप महिला की करें तो सामान्य की 20 और मिनिमम और मैक्सिमम आपकी अधिकतम 40 साल होनी चाहिए, और BC और EBC की बात करी जाए तो कम से कम 20 और मैक्सिमम 40, और SC ST की बात करी जाए तो इसमें 2 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है, 20 और प्लस आपकी 42 ईयर। और नीचे नोट में लिखा है, आवेदन जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है को सामान्य के रूप में वर्ग के चयन करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे दोस्त अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, पर वो चाहे SC से ST से और OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको सिर्फ जनरल में ही लिया जाएगा। वो जब भी अपना फॉर्म भरें तो ये गलती ना करें, वो वहाँ पे जनरल का ऑप्शन ही फिल करें। और एक और बात दोस्तों, अगर आप, क्योंकि मैंने अभी ये पूरा पढ़ा है तो इसमें लिखा था, अगर आप किसी भी तरीके से कोई त्रुटि कर देते हैं अपने फॉर्म भरने में, तो आप उस त्रुटि को चेंज नहीं कर सकते। जो आपने मिस्टेक कर दी फॉर्म में, आप उसे एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको वो फॉर्म दोबारा ही भरना होगा। अगर आपने उसमें फीस जमा कर दी होगी तो आपकी फीस रिटर्न नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फीस मैंने आपको बताई दी है, अगर आप और देख लेना, ये वाली फीस है सामान्य और ये सब की SC ST वालों के लिए। ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके, सभी को शेयर करके बता दो कि फॉर्म निकल गए हैं। और आपकी ये वैकेंसी 17/17 यानी कि 1717 वैकेंसी के फॉर्म हैं। ठीक है, और आपका इसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है और कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपके शाम तक मैं आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और बात रही दोस्तों आपकी प्रिपरेशन की, देखो GS की प्रिपरेशन आपकी बहुत इजीली हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल के साथ में कनेक्ट रहते हैं। GS में आपका 5000 क्वेश्चन सीरीज की वीडियो मैंने 33-34 अपलोड कर दी है, आप उनको देख करके उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और भी जो कुछ होगा उसकी भी मैं पूरी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और प्लस आपका जो भी, अभी मैं इसके बाद सिलेबस और आपकी जो भी फिजिकल की और जो भी आपकी जो भी इसके रिगार्डिंग होंगी, मैं पूरा इसको पढ़ करके एनालाइज करके
आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप चैनल के साथ में बन रहे, देखते रहे सारे वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।